अब हम चलेंगे सेगमेंट पे जाने जिसका नाम है ये कौन है। तो मैं आईपीएल के कुछ प्लेयर्स का नाम लूंगी, चाहे वो अभी आईपीएल सीरीज में खेल भी ना रहे हो, ठीक है। तो मैं कुछ टाइटल्स के नाम लूंगी। हमारा सेगमेंट नहीं लग रहा, हम लोग भी अक्सर अपनी वीडियोस में कहते हैं कौन है कौन ये ये कौन है ये कौन आया कहां से। टाइटल्स लूंगी ये बॉस का सेगमेंट है, ये होना चाहिए बॉस की जय हो। तो टाइटल्स मैं लूंगी इसमें यहाँ पर, और आपने बताना है कि ये टाइटल किस प्लेयर को सूट करता है, ठीक है। सुल्तान ऑफ सक्सेस, सुल्तान आईपीएल में बताना है, सुल्तान ऑफ सक्सेस क्लासन या अभिषेक शर्मा, आप बताएं। क्लासन आई थिंक इस सीजन की अगर बात कर रही है तो अभिषेक, रिंकू तो चला नहीं है, अभिषेक ही से अभिषेक इंडिया वालों को दूंगा मैं, पर नए लड़के को अभिषेक अभिषेक के ज्यादा चांसेस है। ओके, विकेट विजर्ड बुमराह आई थिंक मैं जाऊंगा मयंक के साथ। मयंक के साथ ओके, यहां पे आपने अलग अलग हो गया। बाउंड्री बॉस, एक मिनट, बाउंड्री बॉस विराट कोहली। बाउंड्री बॉस पर है ना आप, तो ईडन मार्कर, चौके बहुत मारे हैं उसने, ईडन को जाता है बाउंड्री बॉस। स्पिन मास्टर, स्पिन मास्टर तो आई थिंक क्रूनल पांड्या है इस बार स्पिन मास्टर, अब तक तो वही चल रहा है। देखिए मैं ख्याल में एक मैचेस एक दो मैचेस के मैं तो परफॉर्मेंस देख के बात कर रहा हूँ, दो तीन मैचेस की, क्योंकि अभी जो इस वाली आईपीएल में जो क्रूनल पांड्या का इम्पैक्ट आ रहा है वो किसी और स्पिनर का नहीं आ रहा, चाहे जितनी भी बुरा या चहल यूजी चहल भी हो सकता चहल है, मगर मैं जाऊंगा यंग के साथ, रवि बिश्नोई के साथ जाऊंगा जिसने वो विलियमसन का कैच लिया बड़े स्टाइल से, ठीक है। कैप्टन कूल कौन है, बनने एक बनने की कोशिश कर रहा है एक है, बताओ बताना कौन सा वाला है, टाइटल बताना है किसको सूट करता है। मैं हाल में कूल कैप्टन, कूल कैप्टन राहुल। ओके, हालांकि शिवमन गिल भी जाता है, सुपर कूल जो कप्तान है वो पैट कमिंस है। ओके, इस आईपीएल में सुपर एक डिसाइड कर लेना कौन है, एक एक बात है, राय है अपनी अपनी भी हो सकती है। केएल राहुल है और आपका केएल राहुल है और आपका पैट कमिंस सुपर कूल है, पैट कमिंस पैनिक नहीं होता, वो हंसता रहता है। यॉर्कर किंग, जसप्रीत बुमराह। बुमराह आई थिंक मुकेश, मेरा मुकेश एक दो बार था वो। अच्छा, फालतू का होशियार कौन है आईपीएल में, हार्दिक डांडिया। फालतू का वही हो गया, फालतू का होशियार कपिल शर्मा के शो पे अभी रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर जब आए तो कपिल ने सवाल पूछा उनसे कि भाई कौन सा खिलाड़ी है जो वो तंग करता है ये करता है, तो उसने बोला यार ये सारे तंग करते हैं मेरे को, तो कहने लगा श्रेयस कहने लगा भाई जो है वो आधी बात के अंदर चार गलियां देते हैं, तो रोहित ने उसको जवाब दिया कि भाई तुम अगर परफॉर्मेंस दोगे तो गाली भी नहीं पड़ेगी, परफॉर्म करो गाली। तो सुपर जो आपने जो सवाल है श्रेयस अय्यर पे जाता है। अच्छा, जबरदस्ती का कैप्टन कौन है, शुभमन गिल के वोट ज्यादा हो गए। अगर आप समझ रही थी इसका जवाब होगा हार्दिक पांड्या, एग्जैक्टली हाँ, लेकिन गिल इसलिए कि हार्दिक पांड्या गुजरात में तो बर्दाश्त था, कबूल भी था, दोनों फाइनल भी खेला था, वो इधर कबूल नहीं है, तो जबरदस्ती में जिसको पता भी नहीं था मैं इस बार कप्तान बन जाऊंगा दो महीने पहले वो गिल ही बने, उस पर अच्छा क्या लगता है। और एक और आदमी है जबरदस्ती का कप्तान, ऋतुराज गायकवाड़, उसे भी नहीं पता था मैं कप्तान बन जाऊंगा, अभी तक नहीं पता, वो धोनी ने कहा तुम ही हो कप्तान, तुम ही हो, तुम हौसला करो, तुम ही कप्तान, जो जब तुमसे कुछ नहीं होगा मैं समझा दूंगा पीछे से, पर कप्तान तुम ही, छह छक्के मारे हुआ बल्लेबाज है, लोग जानते नहीं है कि इसने भी छह छक्के मारे हैं, सात मार दिए थे, ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है। जिगर वजन उधर भजन, ये टाइटल किसको जाएगा, इधर भजन उधर भजन, समझ गया, मतलब जहाँ पे ज्यादा पावर है आप, हाँ 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 समझ गया जी समझ गया, ये प्लेयर को देना है या किसी कमेंटेटर को भी देना है, डेफिनेटली हार्दिक पांड्या, पहले बदमाशी कर रहे थे रोहित की फॉर्म ज्यादा हो रहा है, नहीं रोहित समझ मैं बता रहा हूँ ना क्यों दे रहा हूँ टाइटल, देखे जब रोहित शर्मा की पॉपुलैरिटी थोड़ी सी मुंबई इंडियंस वालों में इन्हें कम लगी तो ये मार्क बाउचर के साथ मिल गए, ये खामोश रहे, इनका कोई रिस्पेक्टफुल बयान नहीं आया रोहित के लिए, जब ये हारना शुरू हुए और रोहित की वाह वाह हुई, फिर जो मैच ये जीते वो भी रोहित ने एक तरह से स्टार्ट देके इन्हें जिताया, तो अब ये ग्राउंड में बहुत ज्यादा रोहित को दिखा रहे हैं, ए ए ए ऐसा ड्रामा आपने यहाँ भी देखा होगा, एक क्रिकेटर बहुत अच्छा करता है हमारा भी, सही कह रहे, ये वाला देखिए ये मखल में ये भी मैं श्रेयस अय्यर पे डालूंगा मैं, उसकी वजह ये है कि यार कुछ लोगों की एक्टिविटी जो है ना ग्राउंड में, ग्राउंड एक्टिविटी बता देती है कि ये सेटिंग में खेलने हैं,
विराट तो कप्तान नहीं है, विराट जब कप्तान था तो स्लिप में खड़ा होता था, अब जब से कप्तानी छोड़ी है उसने वो चला गया बाउंड्री के ऊपर, वहाँ लोगों को एंजॉय करता है, तफरी करता है, सीटियां मारता है, खड़ा होकर डांस कर रहा होता है खड़ा होकर। इसने बोला यार मैं क्या करूं, मेरी तो बैटिंग भी नहीं चल रही, कप्तान भी बना हूं, मैं भी बाउंड्री पे जाऊंगा, पॉपुलैरिटी भी लोगों को कैच छोड़ रहा है यार, आसान आसान इससे कैच छूट रहा है वहां पे, दो कैच छोड़ चुका है, चार पांच मैच ध्यान आगे पीछे होगा ना, खूबसूरत लड़कियां आएंगी। एक और सवाल रखो मेरे कहने से, अपने सेगमेंट में नाम बड़े और दर्शन छोटे, ग्लेन मैक्सवेल, नाम बड़े दर्शन छोटे आ रहे हैं, हट के आओ, इसके आउट बस साल अगर देंगे तो मिचेल स्टार्क हो जाता है 25 करोड़ के नालायक। हाँ ये तो हम रोज इसको रोज रगड़ते हैं, चौबीस अशारिया 24.7 करोड़ में कलकत्ता नाइट राइडर्स ने उठाया मिचेल स्टार्क को, जो दो साल आईपीएल के ड्राफ्ट में अवेलेबल ही नहीं था। 21 करोड़ का उठाया सनराइजर्स हैदराबाद ने कप्तान ऑस्ट्रेलियन टीम पैट कमिंस को। कौन सी बड़ी साइनिंग हुई 24 करोड़, 21 करोड़ में कप्तान उठाया उन्होंने पैट कमिंस, जो चलाक बॉलर है, मिचेल स्टार्क तो स्विंग करता है, विकेट नहीं आई भी अब तक भी, विकेट नहीं ली उसने, विकेट नहीं है उसके पास, और पहले मैच में दो मैचों में वो 90-100 रन भी दे गया था, 26 रन पड़ गए पहले मैच में, एक वो एक ओवर में 19वें ओवर में। ग्लेन मैक्सवेल को जाता है आपका इसी तरह करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, ठीक है।